नमस्कार, आप देख रहे हैं 3NN News Network। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। नए साल नई सोच, नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज के साथ। बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां नए स्ट्रेन के अब तक 38 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से देश में एक बार फिर आतंक मचा रखा है। अब तक देखा जाए तो देश में 38 लोग संक्रमित हुए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोपहर करीब 3:30 बजे इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, जो कि 70% तक अधिक संक्रमण फैल सकता है। हालांकि इसको देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट पे आ गई है। बात राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं, जहाँ सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की वार्ता की गई। हालांकि वार्ता का इस वक्त कोई समाधान नहीं निकल पाया। अगली वार्ता 8 जनवरी को एक बार फिर होगी। आपको बता दें, किसान लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर 8वें दौर की वार्ता विज्ञान भवन में की गई। देश में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच वार्ता की गई। 8वें दौर की वार्ता के दौरान फिलहाल किसान और सरकार के बीच किसी तरह की रजामंदी नहीं बन पाई। आपको बता दें, अगली वार्ता 8 जनवरी की होगी। इस बैठक से पहले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बेनामी संपत्ति मामले में घिरे रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। आपको बता दें, बेनामी संपत्ति के मामले में लगातार रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पूछताछ जारी है, और इस बीच आयकर विभाग की टीम वाड्रा से पूछताछ करने उनके घर पहुंची। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। बेनामी संपत्ति मामले में पूछताछ की गई। बेनामी संपत्ति केस में रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भी दिया था। आपको बता दें कि आयकर विभाग का ये छापा लगातार पड़ रहा है, जिसको लेकर आयकर दफ्तर नहीं आए। इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट विस्तार होने के बाद नाराज विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच नाराज विधायक ने ट्वीट कर साफ तौर पर, यानी कि पूरे पुरजोर तरीके से अपना विरोध जताया, यानी कि जगजाहिर करते हुए अपनी बात को सामने। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में महाकौशल की अनदेखी से नाराज बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने सोमवार को ट्वीट कर खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर। उन्होंने लिखा कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकते। इसके साथ ही आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने के साथ ही अब बीजेपी विधायक पद न मिलने से नाराजगी जता रहे हैं। देश में कोरोना काल ने जहां स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी अब ऑनलाइन हो चुकी है। यूपी के फर्रुखाबाद में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां बच्चे ऑनलाइन कक्षा लेकर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए। खबर यूपी के फर्रुखाबाद जिले से, जहां कोरोना काल ने पढ़ाई का तरीका ही बदल दिया। स्कूल बंद हुए तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। बच्चों के लिए जैसे मोबाइल को छूना मना था, वहीं शिक्षा का माध्यम बन चुका है। शुरुआत में शिक्षकों छात्र दोनों के सामने पढ़ाने के लिए काफ़ी चुनौती आई, लेकिन धीरे धीरे लोग इसमें ढल गए। अब ऑनलाइन पढ़ाई रूटीन में आ गई। अभी भी स्कूल नहीं खुले, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए छात्र छात्रा अपना कोर्स पूरा कर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि कई लोग ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय स्कूल की पढ़ाई को काफ़ी बेहतर भी मानते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलते पप्पू यादव ने कहा कि योगी सरकार के पास फिलहाल कोई एजेंडा नहीं है। बात करेंगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, जिन्होंने जितेंद्र यादव की माता कृष्णा देवी के निधन पर उनके फतेहगढ़ की योगी सरकार पर खुला हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी योजनाएं चोर मार्केट में चली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, यदि है तो एक जात और लव जिहाद का एजेंडा ही है। बात करते हैं मोतिहारी की, जहां चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस से जांच की मांग भी उठाई गई। खबर मोतिहारी से है, जहां पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित एक दुकान में देर रात्रि चोरों ने हजारों की संपत्ति उड़ा ली। थाना चौक पर चोरी की एक पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं बीते कई वर्षों से लगातार थाना चौक पर चोरी की वही वारदातें भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें, देर रात थाना चौक से सटे सीताराम प्रिंटिंग प्रेस में चोरों ने दुकान के पला काटकर तकरीबन 20,000 से ऊपर के सामान और 5,000 रुपये नकदी भी चोरी कर ली। इस संबंध में दुकानदारों ने स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध आवेदन भी दिया है। लॉकडाउन के बीच स्कूल कॉलेज बंद रहे, लेकिन पटना में काफी लंबे अंतराल के बाद सरकारी स्कूलों कॉलेजों का आज खोला गया। आपको बता दें, कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए आश्रित शिक्षण संस्थाओं को खोला गया। हालांकि स्कूल खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को क्लास में पढ़ाने अनिवार्य भी किया गया। खबर पटना से, जहां कई महीनों के बाद लंबे इंतजार के बाद स्कूल और शिक्षण संस्थाओं को खोला गया।
997 दिनों के बाद बच्चों ने स्कूल के विद्यालय देखे। इस दौरान बच्चे स्कूल आके काफी खुश भी दिखे। स्कूलों क्लासेज रूम में पूरी तरह के इंतजाम किए गए, जहां बच्चों को पहले सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी ख्याल रखा गया। क्लासरूम में जाने से पहले विद्यार्थियों को सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। अलवर के बहरोड में नेमराना बार एसोसिएशन ने SDM को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को सामने रखा। इस दौरान ज्ञापन में कहा गया कि अपनी मांगों को जो मांगे रखी गई है उसको पूरा किया जाए। खबर बहरोड से है, जहां अलवर जिले के नीमराना बारा एसोसिएशन SDM को कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी कार्यालय में नीमराना बहरोड मुंडावर व बांसुर क्षेत्र का अधिकारिक क्षेत्र लगाए जाने का भी विरोध किया गया। बात बहरोड की करेंगे, जहां लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को स्वरोजगार के साथ ही शिक्षण को बढ़ावा भी दिया गया। खबर बहरोड से ही है, जहाँ शरबती देवी दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र बहरोड में लुई ब्रेल की जयंती मनाई गई। कस्बे में दिव्यांग बालकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया, इसके साथ ही शिक्षण प्रशिक्षण हेतु भी संचालित किया गया। TN न्यूज नेटवर्क में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे 3N न्यूज नेटवर्क।